हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग होप कि सब लोग ठीक होंगे तो आज से हम लोग नॉर्थ अमेरिका प्रारंभ कर रहे हैं कल बात हुई थी हम लोगों की कि जो है अफ्रीका एंड होने के बाद नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत होगी तो सैटरडे तक अभी रेगुलर क्लास है आपकी मतलब दिवाली के पहले तक तो तब तक जितना भी हो जाएगा उसके बाद में दिवाली के बाद कर, कंटिन्यू कर लूँगा ठीक है इसके साथ साथ जो भी लर्नर्स पहली बार आ रहे हैं आप नो डाउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बेशक आपको यहाँ पर जोग्राफी से रिलेटेड मैं बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ साउथ अमेरिका कंप्लीट मैपिंग हो चुकी है अफ्रीका की कंप्लीट मैपिंग हो चुकी है मतलब आपको आठ दस लेक्चर्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि बहुत डिटेल में है और आज से हम नॉर्थ अमेरिका शुरू कर रहे हैं तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होगी इस चैनल पर इसके साथ साथ आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज प्लेसेस जो भी हैं मतलब आज पॉलिटिकल मैप हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे पूरा जितना हो सके ठीक है सो लेट स्टार्ट इसके साथ साथ आप अनकेडमी पर घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो है पढ़ सकते हैं अनकेडमी पर कंप्लीट प्रिपरेशन आप यूपीएससी की जो है वो कर सकते हैं और जो है चलिए तो इसके साथ साथ जो है सारे बैचेस भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिविजुअल बैच या इंडिविजुअल जो एजुकेटर के कोर्सेज हैं वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे बस ये है कि आपको जो है सब्सक्रिप्शन uh, लेकर जो है सारी क्लासेस जो हैं मिल जाएंगी इसके साथ साथ नए बैच जो प्रारंभ हो रहे हैं अक्टूबर बीस से हो रहे हैं इसके बाद नाइन मंथ का प्रलिम्स का जो है जो इस समय आने वाला एग्ज़ाम 2023 के लिए उन लर्नर्स के लिए नाइन मंथ का भी जीएस सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है और इसके साथ साथ जो है ये डिस्काउंट कोड है एस डी वाई टी वन जीरो इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप सीधा जो है डिस्काउंट ले सकते हैं जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस और टेस्ट सीरीज़ और मेन सीट टेस्ट सीरीज़ फिल्म सीरीज सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी इसके साथ साथ अक्टूबर का एक्सटेंशन ऑफर भी आप लोगों के लिए यदि आप जो भी लर्नर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तीन महीने का एडिशनल बेनिफिट भी आप लोग ले सकते हैं और इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा तो ये वर्ल्ड मैप है हम लोग का और अब तक मैं वही आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि आ, मैं देख तो लूँ कितने आ गए क्लास में हाँ सात बजे का जो सेशन है मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू करूँगा और स्पेशल क्लास जो होगी इसके बाद रखूँगा यदि जो भी रहेगी तो ठीक है तो अभी ज़्यादातर मैं आपको अब यूट्यूब पर मिलने वाला हूँ फिलहाल तो ओके जी हाँ तो सात बजे का लगभग जो टाइम मैंने रखा है अपना जो शेड्यूल रहा था वो लगभग लगभग हम लोग अब यूट्यूब पर मैं आपको मिलूँगा इसके साथ आ, ये वर्ल्ड मैप जो आपको दिख रहा है ये ध्यान रखना कि इसमें जो है सबसे पहले ये नॉर्थ अमेरिका वाला ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है ये एक्चुअल में कहाँ है पहले तो ये देखना पड़ेगा हम लोग अब ये कहाँ है दिखेगा वो भी एक पूरे वर्ल्ड मैप में चेक करोगे तो ये वाले हिस्से के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है अब ये है नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में बहुत बेसिक चीज़ है कि भाई आप ये इक्वेटर लाइन से भी आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेटर ऊपर का हिस्सा नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है तो नॉर्थ अमेरिका पहला काम कुछ बेसिक्स हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये एस शेप का जो ओशियन है दैट इज़ रिलेटेड विद अटलांटिक ओशियन ये तो सबको पता होगा अटलांटिक में भी इक्वेटर के ऊपर वाला है तो नॉर्थ अटलांटिक समझ पा रहे हैं आप मेरी चीज़ ठीक है नॉर्थ अटलांटिक इसके बाद में ये वाला जो पूरा ओशियन है अपना ये पैसेफिक ओशियन है इधर वाला प्रशांत महासागर तो अटलांटिक और प्रशांत से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है यदि मैं आपको यहाँ खड़ा कर दूँ तो आप कहोगे कि सर ईस्टर्न साइड पर मुझे अटलांटिक दिखता है वेस्ट की तरफ मुझे पैसेफिक दिखता है नॉर्थ की तरफ आर्कटिक दिखता है अटलांटिक आर्कटिक में कंफ्यूज हो जाओ तो हमारी पृथ्वी ऐसी आर्क बनाती है ऐसे ऊपर वाला हिस्सा आर्क जैसा तो ये आर्कटिक ओशन है ऊपर से वहां से यहाँ तक ठीक है तो इस नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये वाला हिस्सा मतलब इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन इधर इंडियन ओशियन से नहीं है जो अपन देख पा रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल यहाँ से या ऐसा कल को क्वेश्चन भी पूछ ले कि क्या इसका संबंध जो है इंडियन ओशियन से है नहीं है इधर साउथ में आप जाओगे सदर्न ओशियन से है क्या तो नहीं है ये थोड़ा सा ध्यान रखना ऐसा लगता है देख के कि चीज़ें आसान है लेकिन बिलीव मी सफ़ेद पेज पे जब ये क्वेश्चन आता है ना कि इट इज़ रिलेटेड विद विच ओशियन भाई साहब हालत जो है इधर उधर हो रही होती है कि अब ये कौन सा है यदि इमेजिनेशन है आपको पता है ओशियन के बारे में तो ठीक है नहीं तो भाई बैठे हैं मतलब फिर ये है कि देख रहे हैं कि मतलब क्या हाल होगा करके सो so, ध्यान रहे कि नॉर्थ अमेरिका इट इज़ रिलेटेड विद द अटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन सिंपल ठीक है नाउ लेट स्टार्ट विद द पोलिटिकल पोलिटिकल मैप हमेशा कहता हूँ मैप का पहला नियम एग्जाम के लिए कभी भी मैपिंग करो तो आप सबसे पहली चीज़ है कंट्रीज प्लेसेस पे अपनी कमांड बनाइए ये सब ये जो है बेसिक बातें हैं कि अरे मैं तो जो है रिवर पढ़ लूंगा और आज स्टेट पढ़ लूंगा ये सब बाद की प्रोसेस है पहले आपको कंट्रीज़ पता होना चाहिए क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ों के आंसर तो कंट्री होंगे ना मैंने कहा ये लेक कहाँ है तो आप कंट्री का नाम लोगे मैंने कहा ये आइलैंड कहाँ है तो कंट्री का नाम लोगे तो कंट्री नहीं पता है तो बैठे हैं इससे अच्छा है कि आप लोग एटलीस्ट सबसे पहले अपना काम यह है कि चीजें हमें बहुत ही क्लियरली पता हूं ठीक है आगे बात समझ में तो कंट्रीज में ये रहा आप लोगों के लिए मैप ये मैप बिल्कुल जो है क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा ठीक है अब इसमें कलर कॉम्बिनेशन से मैं आपको पहले ही बता देता हूं ठीक है कलर कॉम्बिनेशन से पहले बता देता हूं इट मीन्स दैट कि ये जो कलर दिखाई दे रहा है दिस इज कैनेडा कैनेडा दिख रहा होगा आप लोगों को तो ये बड़ा सा जो देश है और इस कलर के यहाँ आइलैंड्स दिख रहे हैं कुछ द्वीप दिखाई दे रहे हैं अभी आइलैंड्स में परेशान मत होना ये क्लियरली दिखेंगे नहीं ना जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आ जाएंगे ये देखो मैंने आपके लिए मतलब फिर जूम वूम कर दूंगा तो सब दिखने लगेंगे नहीं तो टेंशन और भैया मेरा को तो दिख ही नहीं रहा है मेरा यूट्यूब खराब हो गया क्या कुछ नहीं हुआ है सेटिंग में जाके जरा ठीक कर लेना उसको तो वहां से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो ये कनाडा को आज हम लोग पढ़ेंगे ये कलर दोनों के सेम है मतलब ये यूएसए का ही हिस्सा है ब्रैकेट में लिखा हुआ है अलास्का और यूएसए ये दो देश हैं और तीसरी कंट्री इधर मैक्सिको है सर इससे बढ़िया कॉन्टिनेंट कहीं नहीं मिलेगा तीन देश में आधे से ज्यादा कॉन्टिनेंट एंड और फायदे वाली बात है कि मोस्ट ऑफ द माउंटेन रिवर प्लेट्यू ये वो सब हम लोग इसमें ही कवर कर लेंगे तो ज्यादा परेशान होना नहीं नहीं तो अब तक अफ्रीका में कितने सारे देश याद करने पड़ गए थे तो अपना तीन यहाँ पर काम आया ग्रीन लैंड अलग चमक रहा है लेकिन ग्रीन लैंड जो है वो क्या है डेनमार्क लिखा है और डेनमार्क को जरा देखोगे तो वो यूरोप का पार्ट है तो ये ग्रीनलैंड इसका हिस्सा है तो ग्रीन लैंड बस मैंने इसलिए शो कर दिया कि कल को आप वाटर बॉडीज एंड स्ट्रेट्स वगैरह पढ़ाऊंगा जल संधिया पढ़ाऊंगा ना तो सेपरेशन का क्वेश्चन आता है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कौन सी चीजों से अलग हो रहा है तब काम आएगा तो ग्रीनलैंड टेक्टोनिकली भले ही मतलब लिथॉस्फेरिक वाली बात करें कि जमीनी हिस्सों में देखोगे आप तो ये इन्हीं का हिस्सा माने जाते हैं लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिवली बात करोगे पॉलिटिकली बात करोगे तो चीज़ें आपको वहां पर दिखाई देगी ठीक है तो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा ये टेक्टोनिकली हो सकता है कि भाई जोग्राफिकली आप बोल सकते हो लेकिन थोड़ा पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो उसको उधर ही रखना पड़ेगा अपने को ठीक है तो सबसे पहले अब मैं आपको पूरी बातें पहले क्लियर कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन आपका पूरा हट जाए तो अब आप समझ गए यूएसए एक देश रहेगा अलास्का उसी के अंतर्गत है और मैक्सिको अलग है और कैनेडा ये तीन तो पहले अपन संभाल लेते हैं फिर ये छोटे छोटे देश हैं इनकी कैपिटल जो काम काम की और लोकेशन वो अपने को करनी है अभी मुझे मालूम है पूरे कंप्लीट मैप में दिख नहीं रहे होंगे इसके लिए अपन इसको जूम करेंगे अलग से पढ़ेंगे तो तीन हिस्सों में पढ़ेंगे सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं कैनेडा को ठीक है कनेडा तो कैनेडा को हम लोग पढ़ेंगे तो हेडिंग बनेगी आपकी भैया कैनेडा जल्दी से और बैठे तीन सौ लाइक सौ करके रखा है आपने ये भी कला है भाई साहब एक बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन का जो है चलो ठीक है तो कनाडा दिखाई दे रहा होगा सबको अब तो पहला काम करते हैं थोड़ा सा बिल्कुल चीजें जरा आसान कर लें अपन फिर कनाडा में और आगे आएंगे कनाडा में आप सबसे पहले तो भैया इंपॉर्टेंट आईलैंड हेडिंग बना लीजिए कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आइलैंड द्वीप आइलैंड मतलब क्या है? कि जो पानी से लगे होते हैं ये द्वीप जो दिखाई दे रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है ध्यान से मेरी सब लोग बात सुनेंगे कि ये मैं आइलैंड्स की लिस्ट लिखनी है अपने को ये आइलैंड का संबंध आप देखोगे तो कॉमन सेंस की बात है कि ऊपर वाला हिस्सा कौन सा ओशन था आर्कटिक तो ये आर्कटिक का पार्ट है सर तो सबसे पहला काम आपको याद रखना है कि हेडिंग आप बना तो लेंगे आईलैंड द्वीप जिसको हम हिंदी में कहते हैं तो कौन से ओशियन के हिस्से हैं वो आपको पता हो दैट इज आर्कटिक ठीक है पहला काम तो आप ये कर लीजिए क्योंकि कई बार आपको पता क्वेश्चन दो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं रैंडम कोई भी आपको आइलैंड का नाम दे देगा वो बोलेगा कि बताओ कौन से ओशन का है तो ओशन बताओ ना चाहिए आइलैंड का नाम आ गया बोले कंट्री बताओ तो फिर वो दिक्कत ना हो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा जो है ध्यान रखना दो बार मत कर देना लाइक हाँ नहीं तो चमको रात में जो है तारों की तरह तो ध्यान देना तो पहला आइलैंड आपको इधर दिखाई देगा दो भाई साहब रानियां यहां दिखाई देंगी एक विक्टोरिया और एक क्वीन एलिजाबेथ तो विक्टोरिया आइलैंड याद रख लो एक और क्वीन एलिजाबेथ याद रख लीजिए सबसे पहली चीज तो ये तो दो रानियों की बात हो गई अब रानियों की बात हो गई तो अकाउंट तो हो गई सर बैंक बैलेंस बैंक आइलैंड तीसरा है सर बैंक आइलैंड बैंक आइलैंड लिखते समय जरा और ये फिजिकल मैप में भी आपको दिख जाएगा जी हाँ बैंक आइलैंड बैंक आइलैंड बैंक आइलैंड तो दो बातें याद रखना रानी विक्टोरिया हो गई क्वीन एलिजाबेथ हो गई उनका बैंक हो गया सर ठीक है फिर आवाजाइए अरे ऐसे मत बोलो ऐसे मत बोलो ऐसे आइलैंड एलिजमेयर मेयर आइलैंड आईलैंड मेयर आइलैंड अरे ऐसे मत बोलो तो कैसे बोलो जी हाँ तो मेयर आइलैंड को याद रखना है फिर से फिर से बोल रहा हूँ कि जो है विक्टोरिया रानी हो गई एलिजाबेथ हो गई बैंक से आप बैंक की बात कर सकते हैं अरे ऐसे मत बोलो ऐसे तो मेयर आइलैंड ठीक है रह जाएगा भैया ये याद और अच्छे से कर लेना जहाँ दुनिया आपको वो बोलेंगे कि यहाँ तो नेयर स्ट्रेट है और नेयर की जलसंधि है और कैनेडा और ग्रीनलैंड अलग होता है तो आप ऐसे छात्र निकलोगे जो बोलोगे सुनो कैनेडा तो अलग हो रहा है लेकिन वहां आइलैंड एलिजमेयर है तो अपने को ऐसे छात्र बनना है कि चीजें पूरी पता हो समझ में आई मेरी बात चलिए तो ये एलिजमेयर आइलैंड को आप अच्छे से याद रखेंगे इसके बाद में जो है नेक्स्ट वन डेवोन आइलैंड ठीक है नेक्स्ट वन इज डेवन आइलैंड डेवोन 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 के देव चलिए तो फिर से ध्यान रखना भूलना नहीं है सबसे पहले विक्टोरिया कर लो नहीं याद हो तो विक्टोरिया के बाद में जो है क्वीन एलिजाबेथ कर लीजिए उसके बाद में जो है बोले सर बैंक आइलैंड याद करवा दिया था आपने उसके बाद बोले आगे जो है आपने बैंक के बाद में एलिजमेयर आइलैंड याद करवा दिया उसके बाद में डेवोन आइलैंड याद करवा दिया डेवोन आइलैंड और एक और आप याद कर लो बेफिन ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड है भाई साहब बेफिन की खाड़ी बेफिन द्वीप हां स्ट्रेट इधर स्ट्रेट ओ जगह देखो आप सर बेफिन आइलैंड बेफिन आइलैंड बेफिन 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 बेफिन, बेफिन आईलैंड चलिए जल्दी से मुझे कॉमा लगा लगा के कमेंट में एक बार लिख दो या कॉपी में एक बार प्रैक्टिस करके चेक कर लो जरा जल्दी से ऐसे कि जो है सर ने बताया है वो याद है कि नहीं चलो मैं भी कर लेता हूं आपके लिए और आप भी जरा रफ कॉपी में एक बार जल्दी से कर लो फिर अपन आगे बढ़ेंगे भैया मेरा उद्देश्य यहाँ पे याद कराना है तो याद तो करना ही पड़ेगा आपको तो एक बार वो बैंक याद हो जाएगा किसके बैंक थे तो बोले सर विक्टोरिया और एलिज़ ये एलिजाबेथ हो गए अब ये एलिज़ मेयर हो गया ये फिर जो है उसके बाद में डेवोन हो गया उसके बाद में बेफिन याद कर लिया अब तो सर सब हो गए दे आर रिलेटेड विद विच कंट्री कंट्री पूछेगा तो मीनाक्षी मधु विशाल सीकर डेली आ रहा हो भैया देख रहा हूं मैं आपको वेरी गुड नीरज शाबाश श्वेता अनुराग अंजलि अभिजीत रिया रजनीश विक्रांत बहुत बढ़िया तो ये हो गए दे आर रिलेटेड विथ कैनेडा प्लस वाटर बॉडी थोड़ी देर पूछ ले तो आर्किटिक तो कम से कम कर लेना चलो भैया आइलैंड समाप्त होते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग बना लेना आइलैंड्स के बाद में इंपॉर्टेंट प्लेसेस महत्वपूर्ण प्लेसेस कनाडा के तो थोड़ा सा मैं इधर नीचे आ रहा हूं उधर जगह नहीं बची है तो दूसरे मैप में चल रहे हैं कनाडा की सबसे पहले तो राजधानी पढ़नी पड़ेगी सर ये देखो ओटावा करके तो सबसे पहले तो आप कैपिटल पढ़ोगे कैपिटल जो है ओटावा है ओटावा ओट्स ओटावा ठीक है ओटावा जो है ये राजधानी हो गई बिल्कुल एकदम पास में मिलेगी जरा तो ओटावा इज़ द कैपिटल कनाडा की राजधानी है ओटावा ओट्स खा रहे हो बोले सर hmm. कर लोगे याद ओटावा कोई दिक्कत कोई समस्या बहुत ही बढ़िया उसके बाद में जो है ओटावा के बाद यहाँ पे एक टोरेंटो शहर मिलेगा सेकंड पॉइंट टोरेंटो अब ये जो टोरेंटो है ये यह यहाँ का सबसे बड़ा शहर है लार्जेस्ट सिटी इंपॉर्टेंट सिटी सबसे बड़ा शहर आपको देखने को मिलेगा कैनेडा का है टोरेंटो यूएसए में मत भेज देना आओ लगा दू यू में आओ भेज दूँ यू में जी हाँ तो याद रखेंगे अपने को याद रखना है कि टोरेंटो कोई पूछ ले अपने से तो कहाँ मिलेगा भैया टोरेंटो याद रखेंगे कि टोरेंटो जो मिलने वाला है अपने को कनाडा का इंपॉर्टेंट प्लेस है सबसे बड़ा शहर है और कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है देखो मेरे इन मैप्स की सिर्फ खास बात एक ये है कि इनमें सिर्फ वही चीज़ लिखी हुई है जो एग्जाम के लिए काम का है और एटलस के साथ समस्या ये है कि सारी चीजें एक साथ दिखती है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो इस बात को थोड़ा ध्यान दें आप लोग कि इन मैप्स को एग्जाम के पहले भी देख के जाओगे तो एक प्रिंट आपके दिमाग में जो है निकल के आएगा नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल वैसे भी पढ़ लो भैया ये आगे आपको पर्यावरण में काम आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करके तो मॉन्ट्रियल शहर भी आप याद रख सकते हैं ये मैं थोड़ी देर के बाद कल वाली क्लास में और बताऊंगा यहाँ से एक नदी जाती है सेंट लॉरेंस नाम की नदी है यहाँ पे ये हम रिवर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे सेंट लॉरेंस सेंट लॉरेंस सेंट लॉरेंस रिवर कौन से मतलब या तो नॉर्मल पूछ सकता है कि कौन सा शहर महत्वपूर्ण शहर इनमें से स्टेट पीएससी के क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं कि इनमें से कौन सा शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है तो आंसर शुड बी आंसर आपका होना चाहिए मॉन्ट्रियल ठीक है आ गई बात समझ में तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रहे भैया तो मॉन्ट्रियल ये तीन अरे इतनी बुरे हाल तो नहीं आज इतना तो समझ आ गया कि मॉन्ट्रियल ले लो चाहे ओटावा ले लो चाहे टोरेंटो ले लो ये सारी बातें कनाडा है, की हैं सर कनाडा से रिलेटेड है चलिए इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन है ये हेलीफेक्स हेलीफेक्स में आ जाओ आप हेलीफेक्स दिखाई दे रहा होगा नोवा स्कोटिया आइलैंड रीजन है नोवा स्कोटिया आइलैंड है वहां पर हेलीफेक्स है अब होता यह है सर कि ये हेलीफेक्स से लगाकर इधर ये वैंकूवर तक ये वैंकूवर तक हेलीफेक्स से लगाकर वैंकूवर तक यदि आप देखोगे तो कैनेडियन रेलवे है कैनेडियन रेलवे के ये दो टर्मिनस हैं कैनेडा की जो रेलवे है उसके दो टर्मिनस हैं हेलीफेक्स और वैंकूवर हेलीफेक्स और वैंकूवर ध्यान रखना है वो आपसे पूछ सकता है कि हेलीफेक्स और वैंकूवर क्यों फेमस है तो हेलीफेक्स से वैंकूवर जो है ट्रेन चला लो गाइज हेलीफेक्स से वैंकूवर वैंकूवर प्लेस में कैनेडियन कैनेडियन रेलवे कैनेडियन रेलवे याद रखना है कनाडा की रेलवे के दो टर्मिनस हैं यूपीएससी ने यदि इस बात को पूछ लिया और मैप ऑब्जर्वेशन स्किल्स यदि चेक करना है तो आपसे पूछ लेगा कि हेलीफेक्स का संबंध जो है किस ओशियन से है और जो ये अपना वैंकूवर है वो कौन से ओशियन से है ठीक है तो वैंकूवर इधर हमें मालूम है पैसिफिक से रिलेटेड है प्रशांत महासागर से संबंधित है एंड दिस हेलीफेक्स इज रिलेटेड विद अटलांटिक ओशियन स्कोटिया आइलैंड है उस आइलैंड में ये जगह है ठीक है रह जाएगा भैया याद चलिए जब तक सारे जितने भी लर्नर्स हैं भूलने के जो प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैं भूलने दूंगा नहीं आप लोगों को सबसे पहला प्लेस जरा जब तक बताएंगे कि सर जी आपने कैपिटल पढ़ा दी हमें ओटावा आपने कहा सबसे बड़ा प्लेस पढ़ लो टोरेंटो आपने बोला एक मॉन्ट्रियल शहर भी पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ पे बोले जो है सेंट लॉरेंस नाम की नदी मिलेगी ये नदी वैसे मैं बाद में पढ़ाऊँगा फोर्थ वन आपने कहा कि एक हेलीफैक्स पढ़ लीजिए जो अटलांटिक ओशियन की तरफ है और एक आपने वैंकूवर पढ़ने को लिए कह दिया जो पैसिफिक की तरफ है और दोनों के बीच में एक रेलवे है जिसका नाम है कैनेडियन जिसका नाम है भैया कैनेडियन रेलवे ठीक है ये दोनों के टर्मिनस होगा नोवा स्कॉटिया रीजन में आ जाएगा नेक्स्ट वन एक पोर्ट दिखाई दे रहा है देखो जरा पोर्ट नाम है इसका सेंट जॉन पोर्ट सेंट जॉन पोर्ट जी हाँ सेंट सेंट जॉन पोर्ट जरा चेक करेंगे सब लोग सेंट जॉन पोर्ट आपको वहां पर दिखाई देगा है मिला सेंट जॉन पोर्ट जो है ये फेमस है किस चीज के लिए इसके आसपास ग्रैंड बैंक मिलता है फिशिंग एरिया है मछली जल की रानी है जी हाँ यूपीएससी इसकी कहानी है ध्यान रखना तो फिशिंग एरिया है सर फिशिंग एरिया सेंट जॉन इसको जरा यहाँ पर लगा के देखो बुद्धि एक्चुअल में आप जरा वर्ल्ड मैप में, में देखोगे तो कहानी ऐसी बनती है इनकी कि ऊपर से आता है कोल्ड वाटर पोलर एरिया से और इक्वेटर से जाता है वार्म वाटर और ये आकर ये आपस में इन क्षेत्रों में जो है मिल जाता है मतलब ये क्षेत्र मिक्सिंग ऑफ ओशन करेंट वाला क्षेत्र है कि कोल्ड वाटर और वार्म वाटर मिल गया यहाँ बन जाती है फिशिंग जब तापमान न तो ज़्यादा होता है ना कम होता है तो ऑक्सीजन बड़ा रेपले सही ढंग से होता है दूसरी चीज़ कि ठंडा पानी और गर्म पानी मतलब एक आइडियल कंडीशन बना देता है फाइटो के डेवलपमेंट के लिए फाइटो मतलब क्या मरीन इकोसिस्टम में जलीय तंत्र में फूड चेन जो खाद्य श्रृंखला शुरू होती है जैसे हमारे यहाँ खाद्य श्रृंखला पेड़ों से शुरू होती है जो सबसे पहली जो चीज़ जो ऑटोट्रॉफ होते हैं जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो खुद का पोषण कर रहे हैं स्वपोषी जीव जो होते हैं तो मतलब पेड़ जैसे शुरू होते हैं पेड़ से सारा आगे का सब पूरी फूड चेन बनती है वैसे ही ओशियन में जो पहली चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस से डेवलप होती है दैट इज़ फाइटोप्लैंगटन अब फाइटोप्लैंगटन यहाँ डेवलप होगा इसके साथ साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी रहेगी वाटर मिक्सिंग जब हो रही है तो क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है कंपेरेटिवली मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं तो अब इसलिए फिशज आएंगी फिशज आएंगी तो फिशिंग रीजन बन जाएगा ठीक है तो ये जो क्षेत्र है यहां पर हम सेंट जॉन पोर्ट पढ़ रहे हैं यहां पे जो फिशिंग बैंक है उसको अपन कहते हैं ग्रैंड बैंक ग्रैंड बैंक तो कल को कोई बोल दे कि ग्रैंड बैंक जो फिशिंग एरिया है वो कौन से देश का है तो कम से कम बता पाएंगे कनाडा का है अटलांटिक ओशियन में सेंट जॉन पोर्ट के पास है ये वो नॉर्मली आप इस चीज को याद रख सकते हो है ना सेंट जॉन ठीक है तो इस बात को आप लोग याद रखें एक प्लेस आखिरी और बचा फिर सारी सब कुछ रिवीजन करेंगे कैलगरी नेक्स्ट प्लेस इज़ कैलगरी कैलगरी भैया नेक्स्ट प्लेस जो मिलेगा वो मिलेगा कैलगरी नेक्स्ट प्लेस जो मिलेगा वो मिलेगा कैलगरी कैलगरी व्हाट इज़ कैलगरी क्यों फेमस तो पहला तो दुख दर्द ये दूर कर लेना कि कैलगरी इज़ इन कैनेडा कैलगरी जो है के ए सी एल जी ए आर वाई कैलगरी जो है वो कैनेडा में है पहला दुख तो ये दूर करो और भैया पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है ये पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के लिए जाना जाएगा जी हाँ चलिए सर तो जो लोग लेट आए हैं दो मिनट में देख सकते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका को पढ़ रहे हैं और कनाडा के इम्पोर्टेंट प्लेसेस हम लोगों ने पढ़ चुके हैं तो कनाडा के जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हम लोगों ने पढ़े हैं कौन कौन से पढ़े हैं ज़रा जल्दी से मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ और फाइनल चेक लिस्ट है ये कैनेडा सबसे पहला पॉइंट आप उसकी कैपिटल पढ़िए दिस इज ओटावा ये ओटावा बता दिया मैंने आपको कैपिटल क्षेत्र था दूसरा पॉइंट जो पढ़ाया वो मैंने आपको टोरेंटो पढ़ाया टोरेंटो ये सबसे बड़ा शहर है लार्जेस्ट सिटी है तीसरा मॉन्ट्रियल बताया आपको मैंने मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल क्यों याद रखोगे मॉन्ट्रियल सर मजा आ रहा है याद करने में नहीं सेंट लॉरेंस याद रखना सेंट लॉरेंस नाम की नदी है और बाकी नॉर्मल पर्यावरण में आगे बहुत काम आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स में तो मॉन्ट्रियल तो पढ़ के रखो चौथा जो है उधर एक प्लेस मिलेगा हेलीफैक्स हेलीफैक्स से लगा के ये वाला प्लेस वैंकूवर वैंकूवर ये प्रशांत महासागर साइड है वो अटलांटिक ओशियन की साइड है दोनों के बीच में रेलवे है कौन सी कैनेडियन रेलवे कैनेडियन रेलवे के दो टर्मिनस हो गई फिर उसके बाद आगे आ जाओगे तो आपको और ऊपर जाओगे आप तो सेंट जॉन नाम का पोर्ट मिलेगा सेंट जॉन फिशिंग एरिया है कौन सा बैंक बताया मैंने ग्रैंड बैंक कौन से ओशियन में है ग्रैंड बैंक अटलांटिक ओशियन में इसके बाद में यह कैलगरी याद रखना है कैलगरी क्यों याद रखोगे पेट्रोलियम के लिए बोलो कोई दुख दर्द बचा किसी का आगे समझ में सब कहाँ पर क्या है अब ये सब मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा कंट्री चेंज कर लो कैनेडा हो गया इसके पहले जब भूल रहे होंगे तो इसके पहले वाले आइलैंड भी याद कर लो कि कैनेडा के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड भी याद करवाएं दो रानियों के नाम विक्टोरिया एलिजाबेथ उन दोनों का बैंक बैंक आइलैंड ऐसे मत बोलो ऐसे एलेजमेयर डेवॉन और बेफिन ये सारे आइलैंड अपने को याद रखना है ठीक है पेरी आइलैंड मन करे तो पढ़ लेना नहीं भी मन करे तो भी पढ़ लेना पेरी आइलैंड इज़ इन कैनेडा कौन सा ओशन बताया मैंने आपको ये आर्कटिक ये हो गया सब रिवीजन कनाडा का कनाडा समाप्त होता है इतना तो आप मैंने आपको बता दिया कि कोई नई भी चीज आपको न्यू वाली न्यू नई चीज यदि न्यूज़पेपर में भी आती है तो आपका खुद खुद ही मन कर जाएगा कि चलो अब मैं पढ़ लेता हूं ठीक है लेट्स स्टार्ट विद द यूएस नेक्स्ट कंट्री इज यूएस सबसे पहला दुख दूर कर लो यूएस का कि यूएस जो है नीचे तो है ही है लेकिन ये अलास्का कोई अपने से पूछ ले कि कहां है तो अलास्का जो है ये भी आपको यूएस के अंतर्गत आते हुए दिखाई देगा ठीक है समझ में आ गई बात मेरी यहाँ तक सबको यूएस जो है कहाँ पर मिलेगा तो यूएस का जो हिस्सा है वो अलास्का भी इसको अपने को याद रखना है अलास्का का ओशियन कोई पूछ ले तो नो no डाउट आप तो बता ही दोगे पैसेफिक की बात कर रहे हो सर जी आप ठीक है ओके सर आगे नेक्स्ट वन तो यूएसए को जरा समझ लो आप लोग जल्दी से कहा की बात हो रही है इधर पैसेफिक है और उधर अटलांटिक चल ही रहा है अपना वर्ल्ड मैप में चमकना हो तो यहाँ पढ़ेंगे अब हम लोग इसको इधर अटलांटिक इधर पैसेफिक ठीक है सो स्टार्ट यूनाइटेड स्टेट्स अब यूनाइटेड स्टेट्स में आप आओगे तो नो no डाउट उसकी कैपिटल एक वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो डीसी सी बोलते हैं इधर आपको मिल जाएगी तो आप अपनी एडलस में चेक कर सकते हो वो तो मतलब वैसे भी बचपन से याद हो जाती है स्कूल पढ़ते पढ़ते जो है कि कुछ चीज़ें यदि याद हुई हैं इटली याद हुई है बोले सर मेरे को तो ग्रीस याद हुआ है यू का कैपिटल याद हुआ है भारत की राजधानी याद हुई है ये क्या किया स्कूल में याद किया था मैंने ओके जी के अच्छा है इस लड़के का कलेक्टर की तैयारी भी करने वाला है चलो तो अब यूएस की बारी आ गई थोड़ा ठीक से पढ़ने की तो कैपिटल तो चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं यहां पर है तीन प्लेसेस काम के एक है ये सैन फ्रांसिस्को पहला प्लेस सैन फ्रांसिस्को ठीक है ये सैन फ्रांसिस्को आपको याद हो, होना चाहिए इनफेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को जरा देखो जरा जल्दी से सैन फ्रांसिस्को के बाद में नेक्स्ट एक प्लेस मिलेगा लॉस एंजलिस ओहो हो हो लॉस एंजलिस ठीक है और फिर एक और होगा इधर लास वेगास लास वेगास ये कैलिफोर्निया से थोड़ा सा मतलब आपको उधर नेवाडा वाले रीजन में मिलेगा लास वेगास चेक करिए सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस लास वेगास जरा आप अपनी uh, मतलब एटलस में भी चेक कर लोगे तो मिल जाएगा और उसके बाद में सैन डियागो सेंट डियागो अभी क्या है मतलब ये तीन चार प्लेस एक तो कैसे सर आप मतलब वो कर दिया आपने तो पहला तो इनका सीक्वेंस पढ़ लेना तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि सैन फ्रांसिस्को जो है ठीक है उसके बाद में लॉस एंजलिस जो है और उसके बाद में सेंट डियागो जो है यार ये जो तीनों है ना ये तीनों पोर्ट हैं बंदरगाह हैं तीनों बिल्कुल इनकी लोकेशन आप देखोगे तो तीनों बंदरगाह हैं ठीक है आई बात समझ में तो एक तो ये याद रखना पड़ेगा आपने को कि तीनों जो है वो पोर्ट हैं तीनों जो है वो पोर्ट एरिया हैं सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस एंड सैन डियागो इसके बीच में क्वेश्चन आएगा ना तो वो ये आएगा कि चौथा ऑप्शन लिखा रहेगा और लिखा रहेगा लास वेगास सर सच बता रहा हूं मैं आधो का जीवन लॉस एंजेलिस और लास वेगास में इकट्ठा हो जाता है तो ध्यान रखना इनमें से कौन बंदरगाह है कौन पोर्ट है कौन समुद्र के किनारे और कौन नहीं है बहुत प्लेसेस बचपन से सुने होते हैं बचपन से सुने होते हैं और उन्हीं में जो है हम लोग ये देख रहे होते हैं तो याद रखना लास वेगास जो है ये बंदरगाह नहीं है चलो क्यों क्यों फेमस है जरा जल्दी से ज़रा इनका आंसर देना शुरू करेंगे सब लोग नाउ टेल मी वाई दिस सैन फ्रांसिस्को इज फेमस सैन फ्रांसिस्को इज फेमस क्यों फेमस है भाई सैन फ्रांसिस्को कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ जरा मुझे सब लोग बताइए जी हाँ कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ तो बोले सर सैन फ्रांसिस्को तो जो है वहां पे एक मॉन्यूमेंट हमने सुना था कि यहाँ पे तो जो है बोले सर एक तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोलते हैं इसको हम गोल्डन गेट जी बड़ा भी लिख सकते हो आप लोग भैया गोल्डन गेट मतलब स्वर्णिम स्वर्णिम द्वार के नाम से जाना जा रहा है क्षेत्र और सिलिकॉन वैली के लिए फेमस है सिलिकॉन वैली क्यों है आईटी उद्योगों के लिए आईटी उद्योग के लिए फेमस जगह है सिलिकॉन वैली सिलिकॉन वैली सिलिकॉन वैली ठीक है तो इस चीज को याद रखना कि वो ब्रिज जैसा दिखेगा आपको कभी देखा होगा इनफेक्ट आपकी काफी ज्यादा मूवीज में आपने कि यूएसए का सैन फ्रांसिस्को शहर जब वो मूवीज डब नहीं हो जाती हिंदी में जी हाँ तो फिर ऐसा लगता है कुछ नया हो गया जीवन में तो वैसे ही तो सैन फ्रांसिस्को में याद रखेंगे सैन फ्रांसिस्को में अपने को सिलिकॉन वैली और सिटी ऑफ गोल्डन गेट है ना लॉस एंजलिस बोले बोले ये तो सर देख लो आप क्यों फेमस है लॉस एंजलिस जल्दी हम्म 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 आंसर 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 पुराने छात्र प्रयास करो भैया हॉलीवुड मिल जाएगी सर हॉलीवुड हॉलीवुड बना दो बोले ठीक है हॉलीवुड और पोर्ट भी हो गया अच्छा इसके बाद में नेक्स्ट वन सेंट डियागो अब यार सेंट डियागो पोर्ट है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस आपको वर्ल्ड मैप में समझने में आएगा पता है आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो अभी अब सेंट डियागो जो है पहले तो क्या है मान लीजिए आप इस क्षेत्र में रह रहे हो और आपको इधर जाना है यूरोप में जाना है तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी इधर घूम के तो आप ऐसे जाओगे फिर बाद में पता लगता है कि हमने यहाँ केनाल बना दी है एक पनामा केनाल तो पनामा केनाल आज पढ़ेंगे हम लोग इतनी ज़्यादा काम की है सर ये पनामा केनाल कि मतलब इसके आने से इतना रास्ता जो है बच गया सीधा व्यक्ति यहाँ से यहाँ निकल जाता है वाटर में क्या होता है फ़ायदा क्या है ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा लोड ले जा सकते हो पैसा कम लग सकता है मतलब टाइम बस ज़्यादा लगेगा प्रदूषण भी कम है थोड़ा या ट्रैफिक वाले अभी समस्या नहीं है तो इधर के पोर्ट्स में पनामा कैनाल जो है यदि इस साइड से कोई सामान भेजना है आपको तो पनामा कैनाल का सहारा लेके ये चीज़ आपको देखने को मिलती है तो ये सब हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं मतलब क्या है मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यदि वो आपसे बोल दे कि सेंट डियागो पोर्ट क्यों काम का है कहाँ है तो सेंट डियागो पोर्ट ट्रेड हैंडलिंग के मामले में पैसिफिक ओशन की तरफ यूएसए वाला ऐसा पोर्ट है जो पनामा कैनाल से बड़ा नज़दीक है मतलब इट इज़ नियरेस्ट टू द पनामा कैनाल पैसिफिक ओशन की तरफ वाले पोर्ट्स में से सबसे नज़दीक वाला पोर्ट यूएसए का सैन डियागो है ये बात ध्यान रखना है आपको ठीक है तो नियरेस्ट टू पनामा जो कैनाल है उससे रिलेटेड ये वर्ड अपने को याद रखना है मतलब ये जो सेंट डियागो है ये बहुत नज़दीक है इस पनामा से इधर से बड़ा नजदीक है सर ठीक है तो सबसे नजदीक क्योंकि इसके बाद तो ये मैक्सिको वैक्सीको लग जाएगा चलो भैया तो कितने प्लेस पढ़ लिए अपन ने जरा चार पढ़ लिए ठीक है।, है याद रखना भूलना नहीं कसिनोस वसीनोज के लिए फेमस भी है वो लास वेगास में लिखना हो तो लिख लेना सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस सैन डियागो लास वेगास लास वेगास में वैसे तो आप बस इतना याद रखो कि पोर्ट नहीं है ये अंदर है नेवाडा वाले स्टेट में कैलिफोर्निया में भी नहीं आता थोड़ा अलग हो गया इधर का सब पैसिफिक है आगे बढ़ते हैं डल्लास होस्टन वगैरह जो ये ठीक है मतलब न्यूज़पेपर में आते रहते हैं ये नॉर्मली कभी चर्चा में कोई घूमा आया भारत का व्यक्ति तो न्यूज़ में आ जाता है तो इनमें ज़्यादा भी परेशान नहीं होना है शब्द को लिखना चाहिए सभी लर्नर्स को डेट्रॉइड जो है हालांकि मैं ये दोबारा आएगा जब लेक्स पढ़ाऊंगा ये वाले ग्रेट लेक्स तब लेकिन अभी आपका मन करे तो पढ़ सकते हो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बड़ा फेमस है हेनरी फोर्ड यहीं से शुरू हुआ है ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल सेक्टर मतलब स्वचलित वाहनों गाड़ियों के लिए फेमस भैया ऑटोमोबाइल कार्स ठीक है उसके बाद में एक प्लेस और आप में ऐड करना चाहूंगा आपका पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग क्यों फेमस है तो पिट्सबर्ग सर आयरन एंड स्टील कैपिटल आयरन एंड स्टील कैपिटल मतलब लो इस्पात लो इस्पात राजधानी है वर्ल्ड की आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड लिखते हैं। चलो भैया आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ठीक है रहेगा ध्यान यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को तो कल को कोई बोले पिट्सबर्ग क्यों फेमस है तो आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डेट्रॉइड क्यों फेमस है ये चीजें याद रखनी है अपने न्यूयॉर्क देखो कितना बहुत कॉमनली व्यक्ति बोल जाते हैं बातों बातों में कि न्यूयॉर्क देखा है मैंने सैन फ्रांसिस्को देखा है लॉस एंजलिस सुना है सैन डियागो सुना है लेकिन आज एक्चुअल में जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको आज क्लैरिटी आएगी कि यार न्यूयॉर्क अटलांटिक साइड है अलग जगह है और लॉस एंजलिस लॉस वेगास बहुत अलग है अपोजिट है दोनों जी हाँ कि मतलब जो है एक अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रहा है और एक गुजरात की तरफ जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप में यहाँ पर इसमें डिफरेंस देखने को अपने को मिलेगा ठीक है तो न्यूयॉर्क जो है वो अटलांटिक की तरफ है नो डाउट काफ़ी महत्वपूर्ण शहर भी है ये पर ये जो बड़े बड़े शहर सुने हैं बचपन से हमने लॉस एंजलिस सैन फ्रांसिस्को लॉस वेगास ये सब एक तरफ़ है पैसिफिक की तरफ और उधर न्यूयॉर्क पिट्सबर्ग याद रखना है ठीक है चलिए भैया तो एक बार ज़रा मैं लिस्ट बना देता हूँ एक तो सैन फ्रांसिस्को आपको याद रखना है उसके बाद में ये लॉस एंजलिस आप याद रख सकते हो इसके बाद में लॉस वेगास याद रख सकते हो इसके बाद में सैन डियागो पोर्ट याद रख सकते हो ये तो होगा इधर के ना उधर जाएंगे हम लोग तो डेट्रॉइट हमें याद रखना चाहिए ऑटोमोबाइल के लिए पिट्सबर्ग हमें याद रखना चाहिए सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के रीजन के लिए याद रखो उसके बाद में उधर वो न्यूयॉर्क याद रख सकते हो आप लोग न्यूयॉर्क ठीक है और इधर ये डेल्लाज होस्टन वगैरह तो न्यूज़पेपर वगैरह में आते रहते हैं इसलिए ठीक है काफ़ी है इतना बहुत है चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या छोटा सा क्विज लूंगा मैं आप लोगों के लिए अब मतलब यहाँ पे ए बी सी डी आपको आंसर देना है जल्दी जल्दी तेजी में ये कनाडा के लिए ए और यूएसए के लिए बी चलो भैया पिट्सबर्ग वर्ग जैसा नाम कहाँ सुना है आपने जल्दी तेजी में बताएं पिट्सबर्ग जो है कहाँ सुना है बोले सर जी कैसी बात कर रहे हो तो आसान है यूएसए में लास वेगास लॉस एंजलिस जल्दी से सैन डियागो कहाँ है सब बी आंसर लग रहा है ठीक है वेरी गुड कैलगरी बताओगे मुझे कैलगरी कहाँ हैं कैलगरी अभी बताया था यहाँ पर पड़ा था ने ऑयल वगैरह के वैंकूवर और हेलीफैक्स नाम कहाँ याद आ रहे हैं वैंकूवर और हेलीफैक्स कहाँ याद आ रहे हैं वैंकूवर और हेलीफैक्स बोले सर जी वैंकूवर इधर था हेलीफैक्स सॉरी इधर हेलीफैक्स है और इधर वैंकूवर देखने को मिला नोवा स्कोटिया रीजन सेंट जॉन पोर्ट कुछ आइलैंड्स के नाम गिना सकते हो मुझे बोले सर जी आसान है विक्टोरिया आइलैंड है एलिजाबेथ आइलैंड है बैंक आइलैंड है एलिजमेर आइलैंड है बेफिन आइलैंड है देवोन आइलैंड है पेरी आइलैंड है कनाडा के हैं आर्टिक ओशन में है सारी चीजें तो आपको पता है लेकिन इसी बात पे आपसे यदि वो पूछ ले कि एक काम करो आप तो डेट्रॉड बताइए कहाँ होगा आंसर डेट्रॉइड के लिए कहाँ जाओगे ठीक चलो तो यहाँ तक की स्टोरी तो आपको समझ में आ गई अब मैं ज़रा ये निचले वाले देशों की तरफ जा रहे हैं हम लोग मतलब आप समझ गए होंगे कि सर यहाँ तक आ चुके हैं अब अपन इधर आ रहे हैं अब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली शब्दों में समझा देता हूँ इसके बाद जो मैं कंट्रीज़ बता रहा हूँ उनकी कैपिटल आप लोग बस याद कर लीजिए बाकी यहाँ ज़्यादा कुछ काम की चीज़ नहीं है जो भी खेल शुरू होगा फिजिकल वाले मैप में होगा फिर तो कुछ नीचे के जो देश हैं काम काम के वो मैं आपको बस बता रहा हूँ अभी ठीक है समझ में आई बात तो क्विकली नोट डाउन करते चलें और एक एक दो दो बार जरा लिखते समय बोलो उसको सारे रटने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ये कैरेबियन रीजन है मतलब ये वो वेस्ट इंडीज़ नहीं सुनते हो आप वो क्षेत्र है ये तो ये आइलैंड ग्रुप्स को अपने को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अब कैपिटल सारी नहीं पढ़नी लेकिन मैं जितना कह रहा हूँ उतना तो आप कम से कम याद रखना उदाहरण के तौर पर कि ये मेक्सिको दिख रहा है तो बोले बहुत ज़्यादा आसान कैपिटल है ऐसी दस पंद्रह कैपिटल और याद करवा दो सर मज़ा आ जाएगा अरे मज़ा तो छोड़ो मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी मत याद करो वो तो पता है दिख रहा है देखो अब ऐसे मैं नॉर्मल बताते जा रहा हूँ कि ये इसलिए नहीं आएगा रीजन बाकी एक एक बार जरा देखो कि ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज है ना जो लिखने को कहूँ बस वही लिखना जैसे ग्वाटेमाला है ग्वाटे माला ग्वाटे माला ग्वाटे माला सिटी मत परेशान हो लिखने का लेकिन ग्वाटे माला सुन के ना एक ऐसे ऑब्जर्वेशन करो कि यार ये नॉर्थ अमेरिका साइड हमने पढ़ा है ऐसे बस इसमें अपना काम हो जाएगा ठीक है उसके बाद में बेलाइज की कैपिटल है बेलमोपन इसको लिखना है बट लिखते समय ध्यान देना बी ई एल और बीई एल बेल बेल हो जाएगा ये तो बेलाइज से बेलमोपन इसको आप पढ़ लीजिए सर ठीक है पता लगे ग्वाटे माला याद नहीं हुआ तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एटलीस्ट यार मैप कैसा लग रहा आप मैप तो मुझे बता दो तो कैसा लगा थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है ये भीड़ नहीं तो अपनी एटलस में एक बार नजर मार के देखना एटलस में नजर मार के देखो इस क्षेत्र को कैसा मतलब ऐसे पिछले जन्म का कोई बदला ले रहा है ये ठीक है तो बी एल से बी एल पे चले जाना जो है है ना चलो आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ आगे बढ़, जाओ, आगे, बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ ठीक है नेक्स्ट वन देखो आप ये ये भी रहने देना एल सेल्वेडोर लवेडोर एक एक दो दो बार बोल के देखो देखो ऐसे मत बैठना बैठे हैं देख रहे हैं इधर उधर मजा आ रहा है सर आज तो खूब बढ़िया मैप भी दिख रहा है और खूब पढ़ा रहे हो आप अरे आप थोड़ा एक्टिव रहिए सर दीवारों से टिको मत मैं बता रहा हूं जैसा सोचोग वैसे ही हो जाओगे बैठे हैं बिल्कुल सीधे बैठो और जैसे मैं बोलूँ लिख रहे हो तो ठीक है नहीं तो लिखते समय एक एक दो दो बार बोलो ऐसे भी नहीं बोलना है कि जोर से बोलो एल्स एल्वेडोर ल्वोर सुनाई देना चाहिए सुनोगे बोलोगे तो सब बुद्धि में जाएगा नहीं तो बैठे रहोगे समझ आ गई मेरी बात तो इसलिए मैं कह रहा हूं Salvador, Salvador बोले तो सेंसर ऐसे ही तीन बार नाम तो ले सकते हो ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी बेलाइस बेल से बेल मोपान सें एल सेल्वाडोर हो गया देखो फिर आगे देखो आगे आगे होंडुरास इसको लिखना पड़ेगा एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कैपिटल कंफ्यूज कर सकती है कुछ कुछ नाम इतने कठिन होते हैं कि नॉर्मल पढ़ के भी समझ जाता है कि अरे यार ये तो याद हो जाएगा यारेगूसी गल्पा ठीक है ठीक है तो बेल से बेलाइस बेलमोपान गोटेमा गोटेमा देखो अगला अगला बोल बोलना है बोलोगे तो फील आएगा निकारागुआ मना गुआ गुआ गुआ, गुआ। इधर ये और इधर से ये सब मिल रहा देखो निकारा गुआ बस इतना याद रखो अपने को कि जो है ये ध्यान रख लें हम लोग कि इस जगह में ऐसे कोई देश एग्जिस्ट करते हैं न्यूज़पेपर में आ जाएगा तो कम से कम समय खराब नहीं होगा हम लोग का सो निकारा गुआ मना गुआ गुआ से गुआ लगा देना होंडुराज टेकोसिकल्पा बेल से बेल बेलाइस में अल्पान ये सारी कंट्रीज हो गई हाँ अभी तक कॉपी में आपको दो हो चुकी है बेलाइस वाली हो चुकी है और होंडुरास हो चुकी है ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक तीसरी कॉपी में जो लिखनी है वो लिखनी है कोस्टारिका सैन जोस नेक्स्ट वन इज कोस्टारिका कोस्टारिका देश लिखना है कोस्टारिका सैन जोस इसको लिख लेना है ना अच्छे से हां जोस कोस्टारिका सैन जोस चलें अब आगे उसके बाद में पनामा बहुत ज्यादा कठिन है पनामा सिटी पनामा पनामा सिटी याद ही नहीं हो रहा बोले सर चलो तो इसमें अब इतना परेशान नहीं होना है। मैं एक दो बार बोल रहा हूं एक बार तो इसको इसको लिख लेना कॉपी में बेलाइस से बेल से बेल हो जाएगा होंडुरास टेगुसी गल्पा आपको याद रखना था निकारा हुआ मना हुआ तो चलो ठीक है नहीं भी लिखोगे वो समझ में आ जाएगा एल सेंड गोटे गोटेवल सिटी इसको लिख लेना कोस्तारी का सेंजोस पनामा पनामा सिटी ये तो हो गई सब कनेक्टेड ठीक है अब यहां से मैं बस एक दो चीजें और बता रहा हूं उसको काफी है उतना लिखना एक तो ये क्यूबा शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था बचपन का जीके दो नंबर मिल जाएंगे बोले जल्दी से क्यूबा हवाना क्यूबा को आप लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं हवाना हवा आने दो हवाना क्यूबा कैपिटल इज इस हवाना इसकी क्या मतलब अब तक सारी कैपिटल में से यदि मुझसे पूछोगे कि सबसे काम की कौन सी है तो मैं क्यूबा ही बोलूंगा एक तो कैपिटल तो हो गई लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेट्स पढ़ेंगे इधर चैनल्स पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी सर जो अपने को याद रखना है ठीक है तो क्यूबा और हवाना को जो है अच्छे से याद रखना भूलना नहीं क्यूबा और हवाना ठीक है रहेगा याद भूलोगे तो नहीं बहुत बढ़िया क्यूबा हवाना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बाद में जमाइका किंगस्टन तो सुना होगा पहले एक पेनड्राइव आया करती थी क्लास में एक ऐसा छात्र हुआ करता था जो गले में लटका के घूम रहा होता था पेनड्राइव कि ये देखो ये कंप्यूटर प्रेमी है जी हाँ जमाया किंगस्टन आधा समय बोले इंटरनेट कैफ़े पे बैठा रहता है क्या करता है तो बोले वो नहीं पता सर गेम वेम खेलते पकड़ा गया था एक बार बोले प्ले स्टेशन पे भी बैठ जाता था बोले ये और ड्राइव बोले इसकी पेन ड्राइव बोले हमेशा भरी हुई रहती थी जी हाँ और बोले मैं गेम ले, ले लेता था इससे तो वो पेन ड्राइव में आपने देखा वो पेन ड्राइव से भी याद हो जाएगा आपको जी हाँ तो किंगस्टन को याद रखना है भूलना नहीं है इंपॉर्टेंट है ठीक है जी हाँ कोई दिक्कत कोई समस्या किसी प्रकार से दो जीबी में ही सांस लेने लगता था क्या वो कि मतलब जो है दो जीबी जो है मेरे पास पेन ड्राइव और पूरी स्कूल का डेटा उसके पास मतलब जगह बहुत थी उसके लिए दो जी बी का टाइम उस जी हाँ एनुअल फंक्शन हो रहा है तो बोले पेन ड्राइव ले आओ उसकी एक ही एक के पास हुआ करती थी क्लास में जी हाँ तो वो वो एक समय हुआ करता था सही कह रहे हैं तो क्यूबा हवाना और जमाइ का किंग्सटन आप याद रखें बाकी तो सर इधर मत परेशान होना ये है, हैती वैती में बहुत सारे और भी दुनिया में काम है बहामाज मन करे तो बोले मियामी याद कर लूँगा बोले मैं तो नसाऊ करके है मियामी तो अपना फ्लोरिडा वाला क्षेत्र है बहामाज की एक कैपिटल मिलेगी आपको ये मियामी से कन्फ्यूज़ मत होना अच्छा एक काम करो यूएसए एस ए में लिखी लो नहीं तो फिर अपन उसको पता लगे छोड़ दिया ये यूएसए जो हम पढ़ रहे थे ना इसमें ये मियामी प्लेस है इसको आप पढ़ लीजिएगा मियामी क्यों फेमस है यहां से सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्चिंग लॉन्चिंग स्टेशन स्टेशन है सर, स्टेशन है सर इसको याद रखना ठीक है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है मियामी भूलना नहीं जी अब रही बात बहामास की तो बहामास की कैपिटल इज नसाओ नसाओ बहामास की जो राजधानी होगी वो होगी नसाओ ठीक है चलो भैया एक बार जरा सब अच्छे से जरा रिवाइज कर लो इस भीड़ को तो टेंशन फ्री हो जाओ आप भी तो बहामाज नसाओ याद रखना है ठीक है इंपॉर्टेंट चीज क्यूबा हवाना याद रखना पड़ेगा जमाइका किंगस्टन ये तीन तो रखो याद फिर इधर आना है तो ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है मतलब ये तो पढ़ लिया अपन ने बेलाइस से बैल मोपान बेल से बेल बना देना बैल नहीं है ठीक है हाँ होन्डूराज से टेगुसी गल्पा ये नया नाम है थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए निकारा गुआ माना गुआ गुआ से गुआ बना देना एल सेल्वेडोर सेंट सेल्वेडोर सेंट जोज कैपिटल है कोस्टारिका की और पनामा पनामा सिटी दो तीन बार पढ़ोगे हो जाएगा मतलब इसको एज ए जनरल लेवल पे समझो कि कभी न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ जाए तो ऐसी परेशानी जो है वो ना हो सर ठीक है बाकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट होंडुरास की करें आप हॉंडुरस की क्या बताई थी टेगूसी गल्पा बताई थी सर आपने उसके बाद में मैं चाहता हूं कि कोस्टा रिका के बारे में पता हो आपको तो बोले सर सैन जोस बोले ये भी बताया मैंने आपको मैं चाहता हूं कि क्यूबा की राजधानी आपको याद हो हवाना है सर बोले मैं चाहता हूं कि जमाइका आपको याद हो तो बोले सर किंगस्टन याद रह जाएगा मैं चाहता हूँ कि बहामास की याद हो उधर नसाओ लिखवाया है मैंने आपको ठीक है और एक उधर रिको है रिको हालांकि यूएसए के अंतर्गत है सेंट जुआन तो रिको दिखेगा उधर बट खैर ठीक है ना भी पढ़ोगे चल जाएगा इतना तो जो है थोड़ा खुद भी सेल्फ स्टडी के नाम पे जो है रख सकते हो तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को याद रखनी है मतलब आज की क्लास में अपन ने इधर से शुरू से यहाँ से शुरू किया था ये क्वीन एलिजाबेथ बैंक आइलैंड विक्टोरिया आइलैंड डेवोन आइलैंड बेफिन पेरी एलिजमेर ये करा उसके बाद में कनाडा में सीधे और नीचे आए तो कैलगरी मॉन्ट्रियल ओटावा उधर हेलीफेक्स सेंट जॉन वैंकूवर ये सारी बातें जो लोग लेट ज्वाइन करें क्लास में सब हो चुका है यूएसए में पूरा सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस सेंट डियागो उधर आप मियामी बढ़ाया मैंने आपको डेट्रॉयड पिट्सबर्ग न्यूयॉर्क ये सारी बातें देखी इधर की ये पूरी भीड़ को अच्छे से समझा कि कौन से देश काम के हैं और कौन से सिर्फ पढ़ के छोड़ना है तो ग्वाटेमाला एन सेलवर सेल सोड निकारा हुआ मना हुआ गु� हंडूराज बेलमोपान एटलीस्ट इनको हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एटलस में नहीं आता है समझ में सभी ठीक है जो नए जुड़े हैं छात्र सब्सक्राइब कर लेना भैया चैनल को बाकी तो जो है ये आपको मदद करेगा यह क्षेत्र आप देखना क्लियरली दिख रहा है क्या देखो जरा क्लियरली दिख रहा है अब सर जी ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी हो गया देखो अब मैं दो मिनट टेस्ट भी ले लेता हूं आपका ओह होंडुरास हॉन्डूराज का क्या है कैपिटल बताओ होंड का कैपिटल क्या है बहुत ही बढ़िया थैंक यू पहले बोल लो आप लोग कि आपको लगा क्लास खत्म हो गई पूर्ण रूप से मतलब सौ प्रतिशत इस्तेमाल कर लेना इतना तो कि चलो सर जाएंगे तब जाऊंगा थैंक यू पहले कर लो ये पहले काम कर लो आप लोग मैं तो बाद में टेस्ट ले लूंगा ये जब ये छात्र हो ये लो होंडुरास को याद रखना है, ठीक है एल सेल्वेडर सेंट सेलवेडर बेलाइस वेलमोपान निकारा हुआ मना हुआ कोस्टारिका सेंट जॉन पनामा पनामा ये अब ये ये जो लैंड मास होता है ना जो दो पानी के क्षेत्रों को अलग कर रहा है पैसेफिक और अटलांटिक अलग हो रहे हैं प्रैक्टिकली यहाँ से ये इस्थमस कहते हैं इसको जल डमरू मध्य जमाइ का किंगस्टन क्यूबा रवाना हो गया सर बहा नशा हो गया सर ठीक है चलिए भैया तो बाकी अपन कल मिलते हैं शाम को सात बजे का टाइम है क्लास का मेरी सात बजे का सेवन शाम को सात बजे नीचे टेलीग्राम चैनल भी उसको ज्वाइन कर लेना नया बेच अनकेडमी पर भी जो है चालू हो रहा है और बीस अक्टूबर से हो रहा है जो भी लर्नर एंड अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू कैन यूज़ द कोड एस जी वाई टी वन जीरो इससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और अभी तो फिलहाल एक्सटेंशन ऑफर भी चल रहा है तीन तीन महीने एडिशनल बेनिफिट लीजिए और घर बैठे जो है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ सारी चीज़ें पढ़ें आप जी और ऑप्शनल की तैयारी हो सकती है आपकी प्रिलिम्स मेन्स के साथ कंप्लीटली विथ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेशन्स पोलिंग फ़ीचर्स के साथ सारी व्यवस्थाएँ और जो है ये कोड से आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा बाकी तो जो है ये नाइन मंथ का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जिनको अभी इस साल एग्ज़ाम देना है तो ये उन लोगों के लिए लॉन्च हुआ है तो ये इसमें भी डिस्काउंट कोड लग जाएगा जब भी आप पढ़ना चाहें बेहतर रूप में समय का जो है ख्याल रखें बाकी कल हम सात बजे मिलने वाले हैं धन्यवाद आपका बहुत बहुत और बाकी कल मिलते हैं सर अपन है ना कुछ लर्नर्स यहाँ शॉर्ट्स भी इसमें अवेलेबल हैं वीडियोज़ इस चैनल में उनको भी देख सकते हैं आप एक मिनट में नो no डाउट बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ तो उनको ज़रूर देख लिया करें आप लोग यहाँ ये इंस्टाग्राम जहाँ भी आपको लगे हर जगह अवेलेबल हूँ चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच